हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई बहुत टाइम हो गया यार कोरियन नूडल्स पे ना कोई रिव्यू नहीं करा, क्योंकि मेरी ना कोरियन वीडियोस पे बहुत ही ज्यादा आप लोग प्यार दिखाते हो। कोरियन वीडियोस तो मेरी बहुत ही ज्यादा मेरी ऑडियंस पसंद करती है। तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक नया फ्लेवर कोरियन नूडल्स का। आई डोंट नो ये नया है पुराना है, बट मैंने इसको फॉर द फर्स्ट टाइम देखा है। ये है बुलदक कोरियन कारा बोनारा बुलदक हॉट फ्लेवर रामेन। तो आज हम इसको ट्राई करने वाले हैं। वैसे तो आपने देखा होगा वीडियो में मैंने बहुत सारे कोरियन नूडल्स ट्राई कर रखे हैं, बट कुछ कुछ हैं जो मैंने ट्राई अभी भी नहीं कर रखे एंड शायद मैं उनको ट्राई करना पसंद भी ना करूं। तो ये जो कोरियन नूडल्स है ना बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं अमेजोन पे, स्विगी, इंस्टामार्ट पे या ब्लिंकिट पे, जेप्टो पे। आप कहीं से भी इनको ऑर्डर कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जिनको भी फेस करना पड़ता है इशू की कहाँ से कोरियन नूडल्स लें, कहाँ से क्या करें, तो आपको बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको मिल सकती है ये कोरियन नूडल्स। बिना किसी देरी के फटाफट से इसको बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं और रिव्यू करते हैं क्या ये टेस्टी है या नहीं। अरे नूडल्स की ना मुझे एक ही गंदी चीज लगती है, इतने ज्यादा मोटे नूडल्स है ना ये, इतने मोटे, बहुत मोटे नूडल्स हैं। तो इनमें ना इंस्ट्रक्शंस थी कि ना मेरे को ना पूरा वाटर ना ड्रेन कर लेना है और बहुत ही कम पानी रखना है। अब मेरे को इसमें ना सॉसेस डालनी है। जो ये सॉसेस मिली हुई है, एक तो ये ना पाउडर मिला हुआ है, कारा बोना पाउडर है एक ये, और ये एक सॉस मिली हुई है बुलदक सॉस। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं फटाफट। तो मैंने ऐड कर दिया, एकदम रेड कलर की है, वैसी है सेम जो मैंने सामयांगे चिली नूडल्स करे थे। ये है वो पाउडर जो कारा बोनारा पाउडर था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मिक्स कर लेते हैं दोनों चीज़ों को अच्छे से और इसको सर्व कर लेती हूँ, फिर दिखाते हैं। तो भाई ये रेडी हो गए हैं हमारे कोरियन कारा बोनारा नूडल्स और देखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। इसका कलर और टेक्सचर बढ़िया है। अब इसको टेस्ट करते हैं। ये रेडी हो गए हमारे नूडल्स और भाई दिखने में ना बढ़िया लग रहे हैं। और मेरे को ना वो सॉस तो वो जो रेड वाली स्पाइसी वाली होती है ना वही लग रही थी। अब इसको ना टेस्ट करते हैं। इसमें ना एक चीज़ी फ्लेवर है और उसकी ना स्मेल भी आ रही है। इसको टेस्ट करते हैं। बच गया पता, भी गिर जाता सारा। बाइट और, क्योंकि मुझे एक बाइट में समझ नहीं आता। जो ये वाले कोरियन नूडल्स है ना, मैंने काफ़ी सारे ट्राई करे हैं कोरियन नूडल्स, पर ये वाले ना बेस्ट है, क्योंकि इसमें ना चीज़ी फ्लेवर भी आ रहा है और एक स्पाइसी फ्लेवर भी आ रहा है, जो ना बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है। और अब तो पता है मैगी ने भी इतने सारे नूडल्स निकाल दिए हैं, मैगी भी अब कोरियन नूडल्स को एकदम पीछे छोड़ दिया, बट ये वाले सच्ची में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। बस एक प्रॉब्लम है कि ना जो नूडल्स है ना वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। तो आप चाहो तो ये वाले नूडल्स ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मैं अमेजोन का, जेप्टो का, स्विगी, इंस्टामार्ट का लिंक नीचे डाल दूंगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इनको सर्च करने में। रिव्यू यही है कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी नूडल्स हैं और काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।